अनलॉक वन के तहत शहर में धीरे धीरे राहत मिलती नजर आ रही है। मध्य क्षेत्र के बाजार गुरुवार से ऑड इवन के आधार पर शुरू हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सिर्फ होलसेल व्यापारियों को ही दुकान खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी है। होलसेल व्यापार मध्य क्षेत्र में शुरू होने से व्यापारी अपने दुकानों में रखा माल ग्रामीण क्षेत्र और अन्य जगह डिलीवर कर पाएंगे, जिससे आर्थिक गतिविधि आगे बढ़ेगी। हालांकि व्यापारियों की मांग है कि खेरची काउंटर भी शुरू होना चाहिए, जिससे ढाई माह से घर बैठे व्यापारियों के साथ काम करने वाले मजदूरों के कामकाज भी शुरू हो सके। इसलिए प्रशासन अभी 15 जून तक और कोई राहत देने की मूड में नहीं दिख रहा है। प्रशासन अभी 15 जून तक संक्रमण को देखते हुए फैसला लेगा। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल को लेकर भी 15 जून के बाद ही निर्णय हो पाएगा। प्रशासन ने हमको आदेशित तो कर दिया येलो खोलने का ऑड इवन के हिसाब से, लेकिन जो खेती दुकानदार है उनको दुकान को ग्राहक करने की परमिशन नहीं मिली है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। हम इसके इस संबंध में माननीय कलेक्टर साहब मनीष सिंह जी और माननीय सांसद महोदय शंकर अवनानी से बात करेंगे कि साहब कम से कम रिटेल काउंटर को ग्राहकी करने की परमिशन दी जाए। यहाँ पर होलसेल के कितने व्यापारी और रिटेल के कितने व्यापारी? यहाँ पे होलसेल में लगभग 200-250 के लगभग व्यापारी होंगे। बाकी खेती दुकानदार अपन मान के चलो कम से कम 400-500 के। अब आम जनता को भी परेशानी आएगी अगर खेरची दुकानदार नहीं खोलेंगे दुकान? आम जनता को तो परेशानी आ ही रही है। अभी आज के युग में ऑनलाइन ट्यूशन स्कूल चालू हो गए हैं। अब जरूरी नहीं सबके पास स्मार्टफोन हो, हर आदमी स्मार्टफोन या किसी का फोन खराब हो, रिपेयरिंग के संबंध में आदमी बहुत सारे लोग जो है रोज यहाँ पे जरूर पर आ रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि ऑर्डर लेकर आप लोग सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या रिटेल में उपभोक्ता यहाँ फिर आ नहीं पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि रिटेल काउंटर के पास कस्टमर के फोन नंबर नहीं है और कस्टमर के पास जो आने वाले ग्राहक हैं उनके फ़ोन नंबर नहीं है, तो संभवतः ये पॉसिबल नहीं है कि होम डिलीवरी रिटेल दुकानदार कर पाए। ऑड इवन फार्मूला के बारे में एक व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका क्या कहना है? नहीं, ऑड इवन फार्मूला अच्छा है, लेकिन हमारा ऐसा आशा है कि जो बेचारे 3 महीने से 2-2.5 महीने से दुकान बंद करके खेती व्यापारी बैठे हुए हैं, सब दुकानदारों के किराए भी लगे हुए हैं, EMI भी जिनकी चल रही है, नौकरों के खर्चे, सभी के सब सारी तकलीफें उसको तो वहन करना ही पड़ ही दिया, और आमदनी के नाम पे अभी नील बटा सन्नाटा है। आपका परिचय? राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष जलोड़ कार्य संघ।